अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट ओपीसी टाइप वन स्पेसिफिकेशन की, जिसमें हमारे यहाँ एनएचए में ये रेफरेंस नंबर दिया गया है 401.2.1। इसमें हमें बताया गया है कि हमें एसटीएम C150 फॉलो करना है ओपीसी टाइप वन सीमेंट के लिए, कि इसके कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट है वो है एयर कंटेंट ऑफ मोर्टार। ये सीमेंट का मोर्टार होगा, इसके जो मैक्सिमम है वो 12 होगा, और फाइनेस जो हमारा है वो मिनिमम 160 है। एयर परमेबिलिटी सीमेंट की जो है 280 मिनिमम, और आटोक्लेव एक्सपेंशन जो है वो मैक्सिमम 0.8 होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेंथ PSI एसटीएम C109। इसमें जो है हमारी सीमेंट की जो हम क्यूब बनाएंगे, ये 2 बाय 2 इंच के जो क्यूब होते हैं हमारे, ये वाले क्यूब हम बनाएंगे छोटे वाले। इसकी जो हमारी 3 डेज में स्ट्रेंथ होगी वो है 1740 PSI, और 7 डेज में हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए 2760 PSI। इसके बाद जो है हमारे पास ये सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट C191, इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ सीमेंट की इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग टाइम पर। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और कंप्लीट डिटेल के साथ बनाई है वो वीडियो मैंने, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसकी जो हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो है 45 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम जो है सीमेंट की वो 375 मिनट। उसके बाद हमारे पास है ग्राउटिंग ऑफ बाउंडेड स्टील, यानी कि जब आप सीमेंट को ग्राउटिंग में इस्तेमाल करें ग्राउटिंग के लिए, तो उसमें हमें रेशियो है दिया गया है 1:0.75, यानी कि 1 क्यूबिक फीट सीमेंट और 0.75 क्यूबिक फीट जो है सैंड होनी चाहिए हमारी। और इसका वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो 0.45 मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी हमारी 7 डेज में 2418 PSI। ये हमारी सीमेंट की है PSI 7 डेज में, और ये ग्राउट की जिसमें सैंड मिक्स है। और तो इनकी जो टेस्टिंग फ्रिक्वेंसी है सब की जो है 1 सैंपल पर लॉट और 1 सैंपल पर 1000 बैग, यानी कि आपने एक लॉट से एक सैंपल लेना है या एवरी 1000 बैग्स के बाद जो है आपने इसका सैंपल लेना है। तो गाइज, ये बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, और ये सीमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू में, और वैसे भी आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।